जहाँ सौरभ जोशी का घर है। सो गाइस तो मैं यहाँ पे भी बोट चला रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट नैना देवी मंदिर। क्लाउड लेक के ऊपर है, क्लाउड के बीच में आपको हिमालय के माउंटेन्स दिख रहे हैं। यहाँ से आ रहा है हरद्वानी का व्यू हमें भी। यहाँ से प्रॉपर हिमालय दिख रहे हैं आप देखो। मुक्तेश्वर जा रहे हैं। So hey creative people, I hope you all are good. Welcome back to my channel. My name is Kanish Kaya. I'm an artist, also a travel vlogger. तो आज हमारा डे टू है नैनीताल में। तो हमने कल बाकी चीज़ें तो देखा, हमने एक्सप्लोर की है लवर्स पॉइंट वगैरह और एक दो चीज़ें और करी थी। तो आज हम ये नैना लेक के पीछे इसमें बोटिंग करने जा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ जो केव्स कल मिस हो गई थी वो भी एक्सप्लोर करेंगे, और भीमताल और मे बी सात ताल और दो तीन जगह हैं वो भी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो एक्सप्लोर करेंगे। जो जो करूँगा मैं आपको दिखा दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ से, तो यही सामने मैंने होटल लिया हुआ था, तो उसके सामने ही पूरा लेक व्यू आ जाता है। गाइस वी केम टू हियर फॉर ब्रेकफास्ट करते हैं बढ़िया सा, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस नाउ फाइनली हम निकल चुके हैं अभी बोटिंग करने के लिए नैना लेक में। तो ये साथ में ही हमारे नैना लेक जा रही है, तो यहाँ पे तो व्यू आ नहीं रहा होगा मे बी क्लियर। तो यहाँ से आप देख लो यार, टेम्पल भी है, नीचे बोट्स चल रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लेक है, काफ़ी बड़ी लेक है। तो अभी हम बोटिंग करेंगे, इसके बाद हम कहीं और जाते हैं। फाइनली मैं बोट में बैठ चुका हूँ नैना लेक में। तो ये कुछ और लुक आ रहा है पीछे से, आप देख रहे होंगे पूरा ग्रीन वाटर है यहाँ पर। ओवरऑल आप देख सकते हो काफ़ी सारी बोट्स हैं यहाँ पर, और जो वेदर है एकदम मज़ेदार हो रखा है, देख पा रहे होगे आप सामने। आज फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंस डे है, तो इसका एक अलग ही दिख रहा है पूरे लेक के अंदर, क्योंकि सारी तरफ फ्लैग्स फ्लैग्स आपको दिख रहे होंगे टोटली। बुला रहा चश्मा में दिख गई। सो गाइस ये देखो फिशेस, पूरी लेक में कितनी बड़ी बड़ी फिशेस है, दिख रही होंगी देखो ब्लैक ब्लैक। और जूम करता हूँ। सो गाइस तो अभी हम बोटिंग कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओवरऑल 20 से 25 मिनट की टोटल ये राइड होती है। 210 रुपीज़ एक पर्सन के चार्ज लगते हैं, और दो पर्सन एक बोट में जाके आराम से ईच एंड एवरी वन के लिए 210 रुपीज़ चार्जेस है। बाकी ये कुछ अभी व्यू है, हम आराम से रिलैक्स कर रहे हैं बिल्कुल नैना लेक के बिल्कुल बीच में। तो यहाँ साइड में पूरा पहाड़ है, यहाँ पूरे होटल्स वगैरह बने हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह। ये पूरी माल रोड पड़ती है सामने। बस ये कुछ ओवरऑल लेक का व्यू आ रहा है टोटल। कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप नैनीताल आपने विजिट किया है नहीं किया है। या आई थिंक सो वहाँ से भी रास्ता आ रहा है अगर आप देख पा रहे होगे तो। यहाँ पे भी मे बी कुछ होगा मंदिर वगैरह समथिंग। अभी यहाँ पे बढ़िया बढ़िया रील शूट कर रहा हूँ मैं, जो आपको देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। लेट्स गो कनेश साइड में आ रहा होगा, तो मेक श्योर चेकआउट करना है इंस्टाग्राम। तो गाइस बीच में क्या तैर रहा है इतना बड़ा, पता नहीं आई थिंक सो ड्रम है क्या, ये ऐसे ही छोड़ दिया पूरी नैना लेक के बीच में। ये क्या है भैया? पार्टीशन है, डिवाइडेड होता है। अच्छा ये पार्टीशन के लिए डाल रखा है। कैसे करना होता है? तो गाइस तो मैं यहाँ पे अभी बोट चला रहा हूँ, जिसका भी एक एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। और मुझे आती तो नहीं है चलानी, ना भैया ने बताया उससे, उस अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चला के देखना कैसे। तो गाइस ये देखो सामने की तरफ मैंने मछली आ रही है, पूरा का पूरा सर्कल बना दिया। क्यों बबल कैसे उठ रहा है बड़ी देर से? अच्छा ऑक्सीजन फिल्टर में डाल रखा है, ऑक्सीजन फिल्टर बोलते हैं। गाइस हमारी राइड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है आके, वहाँ से स्टार्ट हुए थे हम पूरा आधी लेक कवर करके, फिर देन यहाँ पर आ गए हैं। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये भैया ने हमारे को राइड कराई है। भैया क्या नाम है आपका? बानू है भैया का नाम। तो जिसको आना हो तो राइड कर लेना, यहाँ पे मिल जाएंगे भैया। नेक्स्ट पॉइंट नैना देवी मंदिर।
तो ये सती माता के यहाँ पर स्रोत गिरे थे समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो नैना लेक और नैना मंदिर इसीलिए ज़्यादा फेमस है। तो अब मैं ये विज़िट करने जा रहा हूँ। मे भी अंदर शूटिंग तो अलाउड नहीं होगी, तो मैं इसलिए अंदर शूट नहीं करूँगा। तो अब यहाँ बाहर से ओवरऑल लुक देखिए कैसा है। तो बिल्कुल ये नैना लेक के साथ में ही पड़ता है नैना मंदिर। सामने ये बालाजी की स्टैचू भी दिख रही होगी आपको अंदर इसके। तो वह कितना बेस्ट पार्ट है, पीछे नैना लेक का, सामने नैना देवी का मंदिर है। जो नैना देवी मंदिर के पीछे की स्टोरी है वो है कि विष्णु जी की पहली अर्धांगिनी थी सती माता। तो जब उनके अंश गिरे तो उनमें से जब उनके नैन जो आँखें होती हैं वो एक आँख यहाँ पर गिरी थी, तभी ये नैना लेक और ये नैना मंदिर तभी से मशहूर है। तो ये इसके पीछे की बैक स्टोरी। तो ये सामने आप देख लीजिए ओवरऑल ये नैना मंदिर का लुक है। बिकॉज आगे फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था इसलिए मैंने करी नहीं। और यहाँ पीछे भी यहाँ पे बालाजी का भी मंदिर है बढ़िया सा, और यहाँ और भी स्टैचू है। और बीच में यहीं नैना देवी मंदिर के सामने ही सीधा शंकर जी की स्टैचू बिठा रखी है, और यहीं से सामने नैना लेक का व्यू आ रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। लोग अपनी मान्यताएँ मांग रहे हैं, सामने वहाँ बेल्स भी लगी हैं काफ़ी सारी। तो यहाँ पे भी लोग अपनी मान्यताएँ मांगते हैं, सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है। सो गाइस काफ़ी अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छा बना भी हुआ है। तो अगर आप आते हो तो मेक श्योर विज़िट कर लेना। सो गाइस तो अब हम नेक्स्ट जगह आए हैं, यह इको केव पार्क है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल हम आए थे तो बंद हो गया था, 4:30 बजे बंद हो जाता है। तो आज खुला हुआ है, आज हम आए हैं यहाँ पर विज़िट करते हैं, देखते हैं कैसी केव्स हैं। टिकट मिल गई हमें इको केव की, 100 रुपीज़ की एक टिकट है। तो बस यहाँ अंदर हम विज़िट करने जा रहे हैं। सो ये वेलकम का बोर्ड लिखा आ गया, ये कुछ एंट्री है यहाँ पे। तो हमें भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी जगह बनाई हुई हैं। जैसे आप देखो साइकिल क्लाइंबिंग और भी चीज़ें और पार्क हैं। और यहाँ पे हमें टिकट देनी है, टिकट ये रुपये। दो केव हैं, टाइगर केव और पैंथर केव। दो राइट में हैं, करेक्ट, चार लेफ्ट में हैं। दो उधर हैं, यहाँ से एंट्री लेने के बाद दो उधर हैं, चार इधर। दो उधर हैं, चार। तो ये रास्ता जा रहा है वे टू केव लिखा हुआ। दो केव लेफ्ट साइड में है, टाइगर केव और पैंथर केव। उसके बाद फोर केव्स अलग हैं आगे। तो मैं आगे जा रहा हूँ केव्स की तरफ। और ये वाली राइड आप देख सकते हो, ये बुल राइड है, ये गिर जाते हैं इस पर बंदा, मैंने करी हुई इससे पहले। तो ये सामने लिखा आ गया टाइगर केव, ये यहाँ पर पहली केव है टाइगर केव। तो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। और ये कुछ इसका, ये कुछ रास्ता है, अगर आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा स्केरी हो रखा है, बिल्कुल काफ़ी डीप स्टेप्स है और पानी बह रहा है टोटल सारी जगह से। ये पूरे केव का ओवरऑल लुक आ रहा है यहाँ पर। चलो भैया। सो गाइस इतनी छोटी छोटी सी केव है, मतलब बहुत घुस घुस के जाना पड़ रहा है अंदर। बारिश हो रही है, ऐसे निकलेंगे कैसे? तो भाई साहब अंदर थोड़ा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन भी रखी है काफ़ी ज़्यादा, पूरा ये ड्राई केव्स है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। मे भी बारिश की वजह से कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा है। यहाँ पे मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फील आ रही है, जैसे बियर ग्रिल पूरा जाता है ऐसी केव्स वगैरह में ट्रैवल करता है, तो ऐसा ही कुछ एटमोसफेयर फील हो रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये पहली केव थी टाइगर केव, इसके आगे पैंथर केव आएगी। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो अपना सर बचा बचा के चलना पड़ रहा है हर जगह पर। तो आई थिंक सो ये एग्जिट है इसका, यहाँ से लिखा हुआ है। और यहाँ से पैंथर केव स्टार्ट है दूसरी। सो गाइस ये पैंथर केव स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो ये और भी है और छोटी, तो ये और भी ज़्यादा डीप है और भी ज़्यादा छोटी है। और यहाँ अंधेरा भी काफ़ी है, सीढ़ियाँ तो बनी हुई है मे भी। आगे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, यह लाइट कम है काफ़ी। सुबह जैसे देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, काफ़ी डीप है ये एरिया। ये स्टेयर्स बना रखी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा झुक झुक के इसके अंदर जाना पड़ेगा। मैं आ तो गया हूँ किसी तरह पार करके। सो गाइस ये पैंथर केव तो बहुत ज़्यादा डीप थी, बहुत झुक झुक के आना पड़ा यहाँ पे। तो फाइनली ये भी मैंने एग्जिट कर ली है, बट एक्सपीरियंस अच्छा था, मज़ा आया। ये कुछ ओवरऑल लुक है इसका केव का बाहर से।
सो इफ़ यू केम टू नैनीताल तो आप ये यहाँ आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। देखने लायक जगह है ये, केव्स दो बनी हुई हैं। सो ये रास्ता था टाइगर केव्स का और ये पैंथर केव्स का, इधर जाती है। तो यहाँ पे पॉक्यूपाइन केव और बैट केव और फ्लाइंग फॉक्स केव एंड एप्स केव जा रही है। तो बाकी चार केव्स यहाँ पे हैं, तो बाकी हम चार केव्स यहाँ विजिट करते हैं और आगे देखते हैं। पॉक्यूपाइन केव है नेक्स्ट, मेरे यहाँ पे जा रहा हूँ अंदर। काफ़ी ज़्यादा डीप है, होटल फंस गए, मोटे लोग फंस गए, मोटे लोग ना आए यहाँ पे। ये पतले लोगों के लिए केव्स है, खासकर मोटे लोग ध्यान रखें ना आए, क्योंकि आप फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो अभी नेक्स्ट ये सामने बैट केव्स है, अभी देखते हैं कैसे। ये और भी ज़्यादा डीप है भाई, फ्लाइंग फॉक्स केव। तो ये कुछ जा रही है, इसका ओवरऑल एरिया तो काफ़ी खुला है, बट जो जैसे कि यहाँ से सारी केव्स आई हैं बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पूरे, अगर आप नए कपड़े पहन के आओगे तो पूरे आपके ख़राब हो जाएंगे। सो ये सामने से वो दूसरी केव आ रही है, पॉक्यूपाइन केव, वो और भी ज़्यादा डीप थी तो मैं उसमें गया नहीं, बिकॉज अभी आप देख रहे हो मैंने सारा ज़्यादातर वाइट पहना हुआ है, तो वाइट गंदा हो जाएगा इस चक्कर में, कह रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड थी, देन दैट्स व्हाई आई केम हियर। तो यहाँ एप्स केव, एप्स करके आ गए हैं, तो एप्स केव आ गए, तो हम नेक्स्ट वहाँ पर जाएंगे। फाक यहाँ स्लिपरी बहुत है यार, देख के आओ, ट्राई करके आओ। तो ये एप्स केव है, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। तो गाइस वो एप्स केव तो बहुत ज़्यादा टाइट थी, बहुत ज़्यादा डीप थी, तो मैं उसमें तो गया नहीं, बिकॉज पूरे ज़्यादा कपड़े खराब हो जाते। सो फाइनली अब हमने एग्जिट कर लिया, हमने चार पांच केव्स विजिट कर ली थी, इसके अलावा करी नहीं, छः सात हैं टोटल, सिक्स केव्स हैं टोटल। तो हमने चार केव्स ऑलमोस्ट विजिट करी हैं, क्योंकि वो दो काफ़ी ज़्यादा डीप थी, तो इसलिए हम अंदर गए नहीं। अब आगे यहाँ जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ का एरिया है, मे बी साइकिल क्लाइंबिंग और फूड स्टॉल वगैरह भी है, तो यहाँ जा रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे कि एक्टिविटीज़ है, वहाँ साइकिल क्लाइंबिंग थी और यहाँ जिप लाइन वगैरह भी हो रही है, तो आप कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको जिप लाइन के 100 यहाँ से कहाँ तक, वहाँ तक। तो फाइनली गाइस मैं जिप लाइन कर रहा हूँ, ये पूरा इसकी एक्टिविटी यहाँ से लेके वो सामने तक जाएगी, वहाँ सामने इसका एग्जिट है, काफ़ी लंबा है। तो ये छोटी सी क्लाइंब थी, देखा आपने, तो काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आया काफ़ी। यहाँ अम्यूजमेंट पार्क भी बना हुआ बच्चों के लिए, एंड देर इज़ समथिंग पूल ओवर है, एंड यहाँ बाकी नीचे केव्स का व्यू है। सो गाइस फाइनली मैं तो आ चुका हूँ, मेरा भाई आ रहा है, तो ये जिप क्लाइंब हो रही है, एग्जिट कर लिया है अब हमने, साइकिल क्लाइंब नहीं की, साइकिल क्लाइंब बंद हो गई थी, तो मैंने जिप क्लाइंब कर लिया है, काफ़ी बढ़िया मज़ा आया, एक्सपीरियंस अच्छा था। तो अब हम आगे जा रहे हैं, मे बी अभी इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दूँ, ये देखो हम इंटरेस्टिंग स्टैचू सा लगा रखा है, इसकी आईज़ मूव हो रही है, माउथ और पूरा आईब्रोज एंड हाथ भी ऊपर से भी हिल रहा है। और यहाँ स्टार्टिंग में ही शंकर जी की स्टैचू मिल जाती है देखने को, छोटा सा पॉन्ड मिल जाता है जिसमें शंकर जी बैठे हुए हैं और पानी आ रहा है चारों तरफ से, तो कितना अच्छा लग रहा देखने में। सो अब हम नेक्स्ट जगह जा रहे हैं, एवरेस्ट का व्यू दिखता है यहाँ से, क्लाउड एंड करके जगह का नाम है। तो ये केव्स तो अभी हमने विजिट कर ली, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे। और गाइस देखो पहाड़ों पे काफ़ी सॉलिड जाम लग जाता है, बिकॉज वन वे ही होता है, एक ही रोड से आना है, एक ही रोड से जाना। तो हम जा रहे हैं एवरेस्ट व्यू पॉइंट पर, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ रास्ते में।
तो ओवरऑल क्लाउड आप देख रहे हो बीच में कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पूरे क्लाउड लेक के ऊपर है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं बोट्स हैं, नैना लेक में बोट्स चल रही हैं सामने, और नीचे यह मंदिर है जहाँ मैंने अभी विजिट किया था। स्लीप पॉइंट कितना पीक पॉइंट दिख रहा है और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स लेता हूँ जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ साइड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, लेट्स गो कनिष्क, मेक श्योर चेकआउट कर लेना आप। सो गाइस, तो हम ये नेक्स्ट पीक पे पहुँच गए। ये है एवरेस्ट व्यू दिखता है यहाँ से, तो मैं दिखाता हूँ मे बी अगर दिख पाएगा तो। क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और नीचे शायद रिवर भी है दिख रही थी। पीछे पूरा कार की पार्किंग है यहाँ पे, यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बट एवरेस्ट तो मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा, आई डोंट थिंक सो इट्स एवरेस्ट व्यू। सो गाइज, मैंने गलती से एवरेस्ट पॉइंट बोल दिया था, तो ये हिमालय पॉइंट है। तो वहाँ पे क्लाउड दिख रहे हैं ना, क्लाउड के बीच में आपको हिमालय के माउंटेंस दिख रहे होंगे। मैं भी पीछे में थोड़ा और जूम करता हूँ, देखो मे भी आपको दिख रहे होंगे बादल के यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड आ रखे हैं। ये देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे हिमालय है पीछे, कितना जूम कर रखा है। देखो ओवरऑल ये पूरा क्राउडेड हो रखा है इस टाइम पर। हॉर्स राइडिंग भी, आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो साथ में। So guys, अभी 370 किलोमीटर्स टोटल हमारी गाड़ी ड्रिवन हो चुकी है, फिर हम दोबारा रिफ्यूलिंग के लिए रुके हैं यहाँ पे। तो अभी पेट्रोल ऑलमोस्ट कम ही है हमारा, तो बस अब देखते हैं कितने का पेट्रोल फिल होता है। अराउंड 1,000 या 2,000 रुपये का आएगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, 310 या 315 किलोमीटर टोटल लगे हमें नैनीताल पहुँचने में। उसके बाद अभी हम थोड़ा घूमे फिरे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा किलोमीटर हो गया। और बिल्कुल जीरो यहाँ से हल्द्वानी पड़ता है 42 किलोमीटर्स, तो जहाँ सौरभ जोशी का घर है। नेक्स्ट हम निकले रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो ट्रॉली जो बेसिकली यहाँ से चलती है, ये माल रोड पे है सामने, यहीं से ये ट्रॉली जाती है ऊपर। यहाँ से केबल कार का पूरा वो है, तो मैं देख रहा हूँ मे भी टिकट मिल जाए। 4:00 समथिंग उसका क्लोजिंग टाइम था, अब ऑलरेडी 4 तो बज चुके हैं, मैं भी देखता हूँ मिल जाए। तो गाइस, तो अगर रॉक क्लाइंबिंग ऑन हुई तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा एकदम। यहाँ पर भी छोटा सा एम्यूजमेंट पार्क टाइप बना हुआ है, काफ़ी सारी राइड्स वगैरह हैं, यहाँ गो कार्टिंग भी हो रही है। तो गाइस, ये है रोपवे का टिकट काउंटर। 200 रुपये की बच्चों की टिकट है, 200 रुपीज़ की, और 300 रुपीज़ की एडल्ट की टिकट है। तो 4:00, 4:30 तक ये बंद हो जाता है। मे भी 15 अगस्त है तो इसलिए लेट खुला हुआ है। और यहाँ से जाती हुई दिख नहीं रही, ये केबल्स डली हुई हैं उसकी। तो ये है मेरे ख्याल उसका स्टेशन, तो अभी मैं जाता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये कुछ आ रही है केबल कार, ये लो भैया। सो गाइस, टिकट तो मैंने ले लिया, बस अब हम जा रहे हैं ऊपर ट्रॉली के लिए, केबल कार के लिए। मैं तो सीधा आपको ऊपर अब केबल कार में मिलती है। गेट है ट्रॉली का, तो अब यहाँ से बस एंट्री करते हैं हम और अंदर जाते हैं। फाइनली एंट्री हो गए हम। सो नाउ फाइनली वी आर इन अ रूप पे। तो ऐसे कुछ व्यू आ रहे हैं यहाँ से, देखो। हार्डली 5 से 10 मिनट में पहुंच गए हैं, और लोग खड़े हैं वेटिंग के लिए। लास्ट टाइम कितने बजे गए इसका का मुझे नहीं पता, वापसी का टाइम 5:30 का कितने बजे गए। तो ये कुछ व्यू पॉइंट आ जाता है सामने, आप देख सकते हो मैंने लिखा भी हुआ है, फोटोग्राफी वगैरह कराने के लिए और भी चीज़ें की सर्कल सा बना हुआ है। इसके आसपास ही सारी शॉप्स वगैरह दिख रही होंगी आपको, टैक्सी और अपनी कार से भी आ सकते हो इनके साथ। आपका आप कार लेके आ रहे हो तो कार से भी आ सकते हो। मैंने केबल कार चुनी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से केबल कार की राइड नहीं करी थी। ऐसे व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। पार्लर्स हैं पीछे और दूसरी शॉप्स हैं सामान लेने के लिए। बुलबुल का बच्चा, किन्लू वो भी मिल जाएगा। ये रहा ना बुलबुल का बच्चा, यहीं तो होते हैं इसे कार पर शॉप पर। बार का इंसिडेंट है, मैं गया था शायद डेलाउजी में,
तो वहाँ पे ऐसे ही भैया ने बुलाया कि आ जाओ बुलबुल का बच्चा दिखाता, मुझे लगा समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो वो उन्होंने जाके ब्लैंकेट्स दिखाए, मुझे नहीं पता था कश्मीरी ब्लैंकेट्स और शॉल को ये बुलबुल का बच्चा और समथिंग ऐसे कुछ नाम से बुलाते हैं। कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा है, नॉर्मल स्टॉल्स ही हैं जैसे माल रोड पे होते हैं, सेम ऐसे ही एज इट इज़ वैसा ही है। बाकी ये सुवेरनेस के लिए शॉप लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ व्यूज होंगे देखने को, और गेम पार्लर है यहाँ पे भी। यहाँ देखो यहाँ गेम्स चल रही हैं, तो गेम स्टॉल्स भी लगे हैं, अगर आप खेलोगे तो प्राइस समथिंग में मिलेगा इफ़ यू वॉन्ट दैट। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कैसा आ रहा है इस टाइम पर। गाइस तो ये देखो कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ प्लास्टिक को लेके, इसमें स्ट्रॉज डाली हुई हैं और वहाँ पे फॉक है, और यहाँ बैग्स का भी यूज़ करा गया, तो प्लास्टिक यूज़ ना करें। तो यहाँ से आ रहा है हरद्वानी का व्यू हमें भी साइड में, और ये यहाँ पूरा नैनीताल है। तो ओवरऑल ये ट्रॉली से आने के बाद ये कुछ व्यू पॉइंट आता है। सो ये सामने वुड शॉप्स थी, बस यहाँ से थोड़े बहुत सुवेनियर्स लिए मैंने, तो ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, हल्के बहुत ही स्नैक्स खा लिए और गेम वगैरह तो हम क्या ही खेलते। तो अब हम वापस एग्जिट कर रहे हैं नीचे ट्रॉली की तरफ, तो मैं वापस जा रहा हूँ ट्रॉली में अंदर। इसके बैक साइड पे भी काफ़ी एरिया है, तो मैंने देखा नहीं था जस्ट, तो ये इसके बैक साइड पे स्नो व्यू, मे बी जब स्नो पड़ती होगी तो होगी। यहाँ डायनासोर पार्क है और भी काफ़ी चीज़ें, एडवेंचर पार्क लिखा हुआ है अंदर। सो गाइस थोड़ी हाइकिंग हो गई है, ऊपर चढ़ते चढ़ते हम आ गए एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे भी कुछ व्यू पॉइंट है, फाइनली वी केम अनदर व्यू पॉइंट। तो यहाँ से प्रॉपर हिमालयस दिख रहे हैं आप देखो, तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी भी हो रखा है, ये पूरे हिमालय के माउंटेन्स है। से एडवेंचर पार्क स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे गो कार्टिंग भी है अवेलेबल, जैसा कि नीचे भी था सेम एज ऑलवेज ऊपर भी है। और यहाँ पे सुवेनियर शॉप्स है वापस, हाँ उसमें मज़ा आएगा, करते हैं। यहाँ फूड स्टॉल है, 5:30 है, यहाँ ट्रैम्पोलिन भी है, वो ट्रैम्पोलिन जंप जो होती है। और यहाँ पे आई थिंक सो, अरे ये वो वाली गो, अरे ये है गो कार्टिंग, ये वाली असली गो कार्टिंग, ये वाली यहाँ पे होती है। तो ये गो कार्टिंग का एरिया बनाया हुआ, ये प्रॉपर पेट्रोल से चलती है। हाँ नोएडा में, दिल्ली में वो एरिया कितना है, एरिया कितना है अभी, एकदम छोड़ेगा, छूटेगा छूटेगा एकदम एकदम नीचे जाएगा देखना। केम बैक, तो हम दोबारा आगे माल रोड एक्सप्लोर करने, तो कर रहे हैं कुछ खाने को, देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिलता है बढ़िया सा। गाइस दिस इज आवर नेक्स्ट मील, ये डोमिनोज पे आए थे हम खाने, रुके थे मोमोज खाने के लिए, मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ पे नैनीताल के अंदर। ये जो पीछे मंदिर मैंने अभी दिखाया था नैना मंदिर, तो उसकी बाकी मार्केट है ये, तो ये थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने थोड़ी शॉपिंग वगैरह करी है यहाँ से, सुवेरनियर्स वगैरह कुछ चीज़ें ली हैं यहाँ से, जो मैं घर जाके आपको एंड में दिखाऊंगा। इससे पहले लास्ट हम डोमिनोज गए थे, पिज़्ज़ा वीज़ा खाया, भूख लग रही थी, उसके उस टाइम पे मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, तो मैं शूट ज़्यादा कर नहीं पाया था। तो देन हम वापस चार्ज किया थोड़ा सा, तब मैंने थोड़ा बहुत शूट कर रहा हूँ। हाँ सो गाइस हम वापस दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, और रास्ते में देखो कितनी फॉग पड़ रही है, पूरी रोड पर ही कोहरा कोहरा, दिख ही नहीं रहा कुछ भी, ये भी आपको दिख पा रहा होगा, बिल्कुल पूरी कोहरा हो रखी है रोड। तो मैं सीधा आपको बाद में आगे मिलता हूँ, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अराउंड 306 किलोमीटर है दिल्ली यहाँ से। सो गाइस गलती से ना मैंने दिल्ली बोल दिया था जाने को, तो हम दिल्ली नहीं, हम मुक्तेश्वर जा रहे हैं, 47 किलोमीटर पड़ता है यहाँ नैनीताल से, तो हम उसके लिए निकल चुके, तो हम मुक्तेश्वर के लिए निकल चुके हैं, बस वहाँ जा रहे हैं। आपको मैं आगे सीन कंटिन्यू करता हूँ कि सो गाइस तो फाइनली हम मुक्तेश्वर तो पहुँच गए थे, बट वहाँ पे ना एक्चुअली सारा कुछ बंद था इस टाइम पर, वहाँ 9 बजे ही समथिंग सब कुछ बंद हो जाता है। तो मैं गया, मुझे होटल वगैरह कुछ मिला ही नहीं,
तो देन वी टर्न इट टू आर दिल्ली अगेन। तो हम अब 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने पार कर लिया, 207 किलोमीटर दिल्ली यहाँ से बचा है। तो ये टोल टैक्स आया, अब यहाँ पे मैंने ज़रा स्टॉप लिया है पानी वानी पीने के लिए, तो इसके बाद हम वापस दिल्ली के लिए कंटिन्यू करेंगे। टोटल 260 किलोमीटर है, अब मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी। बीच में मैंने चलाई थी, फिर देन वापस मैंने भाई को दे दी, भाई चला रहा था। उसके बाद देन अब सीधा अब मैं दिल्ली में जाके या फिर बीच में कहीं ब्रेक लूँगा ब्रेकफास्ट के लिए, तो आपसे वहाँ मिलता हूँ। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ऑलरेडी मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं और सामने देखो आपको मून अभी भी दिख जाएगा। ये देखो मून अभी भी निकला हुआ है और यहाँ पे सन भी निकलने वाला है, ऑलमोस्ट सन भी निकल गया है और यहाँ मून भी निकला हुआ है, दोनों चीज़ें एक साथ दिख रही हैं। देखो बहुत रेयरली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी हमने ब्रेक लिया था, तो ये ब्रेकफास्ट तो जल्दी खा रहे हैं, कॉफ़ी और सैंडविचेस। तो ये कुछ फाइनली हमने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया, बस सीधा निकलते हैं घर के लिए। तो यहीं हमारी नैनीताल की सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अराउंड 100 किलोमीटर रह गए यहाँ से दिल्ली, बस नॉनस्टॉप गाड़ी चला रहा हूँ मैं ऐसे, वो आई नो मैं ब्लॉग कर नहीं पाऊँगा उसके बाद। तो यही 2-3 एपिसोड थे नैनीताल सीरीज़ के, तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए होंगे। एंड कैसे लगे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो डू यू लाइक दैट वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अमेजिंग ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो जल्दी दबा दीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं अमेजिंग ट्रैवल रिलेटेड रील्स डालता रहता हूँ वहाँ पे, और कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो सबसे पहले स्टोरीज वगैरह वहाँ पर डाल देता हूँ, साइड में आ रहा होगा लेट्स गो कनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग, जल्दी मिलते किसी नए ट्रैवल ब्लॉग में। सो हे गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। तो आपको जैसा कि पता ही है मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूं या मैं जहाँ भी कहीं जाता हूं तो वहां से हमेशा मुझे सुवेनियर्स लाना बहुत पसंद है। तो इस बार भी जैसे कि मैं नैनीताल की ट्रिप पे गया, आपने देखा मैंने थोड़े बहुत सुवेनियर्स की शॉपिंग करी थी, तो मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ मैं क्या क्या वो लेके आया था। तो एक सबसे पहले मैं आदि योगी जी की एक छोटी सी स्टैचू मैंने सोचा था मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा, और एक ये मैं महादेव का त्रिशूल लेके आया था, और एक ये आई लव नैनीताल का मैं फ्रिज मैग्नेट लेके आया था, और इसी के साथ साथ मैं एक दो ऐसे आई लव नैनीताल के कीचेन्स भी लेके आया था, और एक ये मेरे फ्यूल टैंक वाला बहुत क्यूट सा बड़ा मजेदार सा मुझे ये कीचेन लगा तो मैंने ले लिया। और एक ये एक और लास्ट चीज मैं लाया था, बहुत प्रीमियम फिनिशर्स की जो मेन इसकी बात है ये ऊपर है आपको, और आपको दबाने पे सीधा वॉच खुल जाती है, इसके अंदर एक वॉच है, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो यही कुछ सुविधाएं लेके आया था मैं नैनीताल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग, जल्दी मिलते हैं किसी नए ट्रैवल ब्लॉग में।